हाँ पिछली क्लास में हमने इनशोमर्स के बारे में डेफिनेशन लिख ली थी ठीक है और इनेंशोमर्स और डायस्टीरियोमर्स ठीक है इन दो की डेफिनेशन अपन ने कर ली थी और हमने बात करी थी कि ये बेसिकली क्या है क्या पढ़ रहे हम बेसिकली जो ऑप्टिकल आइसोमर्स रहते हैं उनके बीच में रिलेशन बताने का ये तरीका रहता है जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइम पे हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप के होते थे स्ट्रक्चर आइसोमर और रिलेशन कैसे बताते थे कि पोजीशन आइसोमर चेन आइसोमर रिंग चेन आइसोमर वैसे ऑप्टिकल में जो रिलेशन है वो दो तरीकों से बताते हैं अपन या तो इनशोमर या फिर डायस्टिर इनेंशोमर जो थे उसके बारे में डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी हमने बोला था कि जो डेफिनेशन है उनमें दो या तीन या चार ऐसे की रहेंगे वो की के हिसाब से हमें चलना है वो हमें याद रहना चाहिए तो इनश्योमर के लिए दो की बताए थे हमने नॉन सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेज ठीक है नॉन सुपर इम्पोजिबल होना तो जरूरी है ही सही सुपर इंपोज हो गया तब तो आइसोमर हुए ही नहीं बात ही खत्म होगी वो तो आइडेंटिकल हो जाएंगे तो वो तो है ही सही पर मिरर इमेज हुए तो इन नॉन मिरर इमेज हुए तो डायस्टिर रहते हैं और फिर डायस्टीरियोमर के लिए थ्योरी हमने लिख ली थी और फिर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पर थे तो डायस्टीरियोमर के एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ये नोट करें एग्जाम्पल्स ये नोट करें एग्जाम्पल्स देखें दो चीजें हमें चेक करनी थी सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो पहली चीज थी नॉन सुपर इम्पोजल तो सीधी सीधी सी बात है पहले वाले में दोनों ओ एच सेम साइड पे दूसरे में ऑपोजिट साइड पे तुम भले ही 180 डिग्री घुमा भी दो तब भी कभी भी वो सेम साइड पे नहीं आ सकते सुपर इम्पोज तो नहीं हो रहे और दूसरी चीज जहां तक मिरर इमेज का सवाल है तो भाई दोनों एक साइड है जब इसकी मिरर इमेज लोगे तो दोनों ओ एच एक ही साइड रहेंगे ठीक है ऑपोजिट साइड नहीं जाएंगे और इस वजह से ये दोनों है नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मेरे और इस वजह से ये दोनों हो गए डायस्टिर नेक्स्ट दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखें अब दूसरे एग्जाम्पल में तो हमने सिस और ट्रांस टू ब्यूटीन बना रखे हैं और सिस और ट्रांस टू ब्यूटीन तो आपस में जीआई रहते हैं तो फिर डायस्टिर के डेफिनेशन में यहां पर इसका क्या काम है ठीक है देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से चले डेफिनेशन क्या लिखी डायस्टिर की तो सबसे पहला वर्ड यूज किया हमने स्टीरियो आइसोमर तुम बताओ क्या जी आई भी स्टीरियोसोमर का टाइप है जी आई ओ आई दोनों ही स्टीरियो आइसोमर के टाइप है ठीक है स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल भाई सिस को ट्रांस के ऊपर सुपर इंपोज करने की कोशिश करो नहीं होगा इसमें सीएस सेम साइड पे इस पे ऑपोजिट साइड पे ठीक है तो नॉन सुपर इंपोज इम्पोजिबल और नॉन मिरर इमेज भाई तुम सिस की मिरर इमेज लोगे तो सिस ही आएगा सिस की मिरर इमेज ट्रांस ही आएगी और वैसे ही ट्रांस जो है इसकी मिरर इमेज लोगे तो ट्रांस ही आएगा ठीक है और नॉन मिरर इमेज भी है और इस वजह से ये दोनों को हम जी आई तो बोल ली सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर साथ ही साथ में की डेफिनेशन में भी ये फिट बैठ रहे हैं और जनरली हमें तो ये देखने को मिलेगा कि जो भी जी आई रहेंगे वो डायस्टीरियोमर्स भी होंगे इसे ठीक है डेफिनेशन के हिसाब से चलते हुए ठीक है तो ये नोट कर लें और फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मीजो कंपाउंड और तो जो हमने देखा ये दोनों तो रिलेशन बता रहे थे ये तो दो के में रिलेशन बता रहे थे। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मीजो, मीजो रिलेशन नहीं है मीजो इंडिविजुअल कंपाउंड जो रहता है उसकी प्रॉपर्टी रहती है इंडिविजुअल कंपाउंड की खुद की प्रॉपर्टी रहती है मीजो ठीक है देखते डेफिनेशन क्या रहती है तो इसके लिए डेफिनेशन लिखो कंपाउंड्स विच कंटेन Compounds which contain more than one chiral center as well as symmetry are called. Are called meso compounds ठीक है दो पार्ट्स हो गए इसमें दो कीवर्ड्स हो गए मोर देन वन कायरल सेंटर और सेकेंड कीवर्ड हो गया सिमिट्री ठीक है कायरल सेंटर भी हो जिसके अंदर और सिमिट्री भी प्रेजेंट हो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर दे आर ऑप्टिकली इनेक्टिव ऑप्टिकली इनेक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन इंटरनल कॉम्पेंसेशन ठीक है समझते हैं इसका मतलब क्या है ठीक है सबसे पहले इस वाले मॉलिक्यूल को देखो तो इस मॉलिक्यूल में हम क्या देख रहे हैं हम चेक करना चाहेंगे मीजो के लिए तो मीजो के लिए हमने दो कंडीशन लिखी एक तो एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो तो एक कायरल सेंटर तो हो गया ये वाला दूसरा कायरल सेंटर हो गया ये वाला ठीक है एक से ज्यादा कायरल सेंटर है और दूसरी कंडीशन लिखी कि सिमिट्री होनी चाहिए क्या इसमें कोई सिमिट्री है कौन सी वाली सिमिट्री है पीओ एस है सीओ एस नहीं है पर पीओ एस तो है तो पीओ एस है तो इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये मीजो कंपाउंड हो गया बेसिकली मीजो जो है अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है तो सीधा सीधा हमें ये फॉर्मूला दिखना चाहिए नजरों के सामने मीजो इक्वल टू कायरल सेंटर प्लस सिमेट्री। मोर देन वन कायरल सेंटर वाली जो बात थी वो तो ऑटोमेटिक ही रहेगी वो तुम्हें अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर एक ही कायरल सेंटर हुआ अगर कंपाउंड के अंदर एक ही कायरल सेंटर हुआ हमने बात कर ही रखिये कि एक कायरल के सेंटर के साथ पीओ पॉसिबल ही नहीं वैसे ही पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इसलिए एक से ज्यादा कायरल सेंटर तो होने ही चाहिए तभी फिर सिमेट्री पॉसिबल हो सकती है ठीक है तो कायरल सेंटर प्लस सिमेट्री ठीक है अपन तो डायरेक्ट ध्यान रखिये ये रहता है मीजो का और ये वाला जो मॉलिक्यूल रहता है इसका नाम रहता है मीजो टार्टेरिक एसिड ध्यान होगा नॉमिन के टाइम पे हमने टार्टरिक एसिड लिख रखा था टार्टरिक एसिड क्या रहता है एक दो तीन चार चार की चेन रहती है एसिड और पे टू और थ्री पे प्रेजेंट रहते हैं ठीक OH, OH, है तो ये रहता है मिजो टार्टरिक एसिड हमने बोला कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव तो समझ आ रहा है क्योंकि अपने पास सिमिट्री है तो इनएक्टिव ही होना चाहिए था पर किस वजह से लिख रखा है कि इंटरनल कॉम्पनसेशन समझते हैं कि इसका मतलब यहां पर क्या है यहाँ पर बेसिकली क्या है ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है हमने जैसे कि पता है दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है जो कि एक दूसरे के mirror images होते है, जो कि कि एक एक दूसरे दूसरे के के मिरर मिरर इमेजेस इमेजेस होते होते हैं हैं तो इसमें एक्चुअल में किस तरीके से रोटेशन जीरो होता है कि एक हाफ कुछ रोटेशन कॉज कर रहा होगा कुछ रोटेशन कॉज कर रहा होगा मान लो प्लस टेन डिग्री पर दूसरा हाफ क्या उसका mirror image. Molecule दूसरा हाँ है उसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल का दूसरा हाफ है उसका मिरर इमेज तो दूसरा हाफ जो है वो माइनस टेन डिग्री रोटेशन कॉज करता है क्योंकि मिरर इमेज है ना तो बराबर और ऑपोजिट रोटेशन करेगा और जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर के इंटरनली ही दो जो हाफ हैं वो एक दूसरे के रोटेशन कैंसिल आउट कर रहे हैं ठीक है और इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं इंटरनल कॉम्पेंसेशन इससे पहले हमने दूसरा वर्ड कौन सा पढ़ा था एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन वो किसके अंदर था रेसमिक मिक्सचर के अंदर एक्सटर्नल क्यों बोल रहे थे क्योंकि उसमें क्या था एक इनश्योमर जो था उसका रोटेशन कॉज कर रहा था एक एक्सटर्नल दूसरा मॉलिक्यूल उसका दूसरा वाला इनश्योमर ठीक है तो इसलिए वहां पर बोल रहे थे एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन क्योंकि एक्सटर्नल एक दूसरा मॉलिक्यूल कैंसिल आउट कर रहा था और यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर के दो से कैंसिल आउट कर रहे हैं रोटेशन ठीक है तो यह है इंटरनल और एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन का मतलब नेक्स्ट चीज हम कर रहे हैं ठीक है थीके? ये जो हमने इनशोमार डायस्टिर टर्म्स वगैरह पढ़ी इनके बेसिस पर नेक्स्ट हमें गिवन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच के रिलेशन बताना है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फाइंड रिलेशन पहले क्वेश्चन सारे नोट कर लो उसके बाद अटेम्प्ट करके देखेंगे कायरल सेंटर भी ले सकते हो या कायरल कार्बन भी ले सकते हो कोई दिक्कत ठीक है पर प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसमें कायरल सेंटर ही होता है ठीक है सिक्स वाले में एक ही क्वेश्चन है ठीक है इसमें सारी चीजें मैं बतानी है कि जी जीआई के पेयर कौन से हैं फिर मीजो कंपाउंड कौन से हैं, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव इनैंशमर्स और डायस्टिर जिनके नोट हो जाए तो वो लोग ट्राई करके देखें वन टू थ्री जो है इनके लिए हम हिंट दे रहे हैं और इनके लिए हिंट ये है कि एक ही कायरल सेंटर है इनके अंदर और एक ही कायरल सेंटर में अगर आर का आर रहेगा या एस का एस रहेगा अगर जो कॉन्फ़िगरेशन अगर वो सेम रह रहा होगा तब तो वो हो जाएंगे आइडेंटिकल तब तो हो जाएंगे आइडेंटिकल क्योंकि उसी मॉलिक्यूल को डिफरेंट तरीके से बना रखा होगा और अगर मान लो एक आएगा आर और दूसरा आएगा एस तो हम जैसे कि बात करेंगे कि आर और एस जो होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो अगर एक आर है और दूसरा एस है तो वो एक दूसरे के इनशुमर्स हो जाएंगे ठीक है एक ही कैरल सेंटर के साथ एक दूसरे के इनैनशुमर्स हो जाएंगे ठीक है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इससे स्टार्ट करके देखते हैं तो देखो सबसे पहला तो तरीका यह है कि दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आर और एस निकालें ठीक है तो आर और एस निकाल करके देखते हैं पहले वाले में आर आ रहा है कि एस आ रहा है देखते हैं तो वन ये हो गया टू ये हो गया थ्री ये हो गया ठीक है लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजोंटल पर है तो वन टू का थ्री क्या थ्री टू का वन थ्री टू का वन करना पड़ेगा तो ये हो गया अपने पास आर उसी तरीके से यहाँ पर भी वन ये हो गया टू ये हो गया थ्री ये हो गया फोर यहाँ पर ही आ गया तो फिर से थ्री टू का वन करेंगे तो अपने पास आ गया आर और आर से आर ही रह रहा है तो इन दोनों को हम कह सकते हैं या तो आइडेंटिकल या फिर इनको बोल सकते हैं होमोमर्स होमोमर्स का मतलब क्या रहता है कि एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट दूसरे तरीके से कर रखा हो कि मान लो थोड़ा सा रोटेट करके या थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता रखा हो तो होमोमर्स बेसिकली मीन्स डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड होमोमर पहला तो तरीका ये हो गया आर और एस का दूसरा एक और तरीका भी हम यहां पर लगा सकते थे जो कि तुम्हें ध्यान होगा फिशर प्रोजेक्शन पढ़ते टाइम हमने पढ़ा था ऑड और, और इवन इंटरचेंज वाला जो कॉन्सेप्ट था ठीक है वो लगा करके देखते हैं एच जो है वो बराबर वहीं पर रह रहा है एच अपनी पोजिशन पर ही रह रहा है सी डब्ल्यूएच हम देख रहे हैं कि कहाँ जा रहा है नीचे तो एक इंटरचेंज कर दिया ये और सी डब्ल्यूएच को तो पहुंचा दिया नीचे पर अब सी एस थ्री कहाँ पर आया यहाँ पर जबकि उसमें कहा है वहां पर तो एक और इंटरचेंज कर दिया सी एच थ्री और ओ OH एच के बीच तो टोटल हमें दिख रहे हैं दो इंटरचेंज पहला तो हो गया सी और सी थ्री से तो सी डब्ल्यू एच नीचे आ गया और दूसरा हो गया सी एच थ्री और ओ एच ए जिससे सी एच थ्री राइट में चला गया तो इवन इंटरचेंज करने पे हमें पता है वैसे भी कि मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम ही रहता है तो आर का आर ही एस का एस ही रहेगा तो इस तरीके से बता सकते हैं कि आइडेंटिकल होते ठीक है दोनों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हो सेकेंड वाले के अंदर देखो पहला तो तरीका है आरएस निकालो और दूसरा तरीका जो है और इवन इंटरचेंज वाला यहां पर भी लगा सकते हैं कौनसेप्ट कैसे लगाएंगे तो देखो अपनी बराबर जगह पर है बस चेंज किसके बीच में ये हो तो तो हो तो 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 दोनों होंगे आपस में इन और वैसे निकाल करके भी बता देते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी हो गई सेकंड इसकी थर्ड इसकी फोर्थ इसकी लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है तो वन टू का थ्री क्या थ्री टू का वन वन टू का थ्री वन से टू से थ्री जाएंगे वन से टू से थ्री जाएंगे तो ये आएगा एस और क्योंकि इससे ऑड इंटरचेंज करके बना है तो इसको बोल सकते हो आर या फिर दूसरा तरीका है कि वो पूरे प्रोसेस से निकालो ठीक है क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी डैश है पहले इंटरचेंज करके फिर थ्री टू तो वन ठीक है तो यही वाली चीज आएगी थर्ड वाले में रिलेशन क्या आ रहा है ठीक है देखते हैं अटेम्प्ट करके देखते हैं तो देखो आर एस निकाल करके करना पड़ेगा देखते हैं क्यों तो देखो इस पे भी जो कार्बन है बीच का कायरल कार्बन उस उसपे ग्रुप्स कौन कौन से लगे एच ओ एच एफ सी एच ओ यहाँ पर भी क्या है एच ओ एच एफ सी एच ओ तो चारों ग्रुप सेम है तो फिर इस वजह से किसी ना किसी तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स ये हो सकते हैं नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई एफ की सेकेंड ओ एच की थर्ड सी एच ओ की फोर्थ हो गई एच की अब थ्री से टू से वन जाएंगे वन से टू से थ्री थ्री से टू से वन जाना पड़ेगा और थ्री से टू से वन हम जाएंगे तो अपने पास आ रहा है एस दूसरे वाले में वन टू थ्री फोर ठीक है तो वन टू थ्री जाएंगे थ्री टू वन जाए वन टू थ्री तो वन टू थ्री जा रहे हैं तो यहां पर आ रहा है अपने पास आर ठीक है आर आ रहा है और आर से एस बन रहा है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में है इनशमर्स तुम समझ रहे हो देखने में ऐसे मिरर इमेज नहीं दिख रहे देखने में सामने समझ नहीं आ रहा क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही अलग कर रखा है ना वहां वेट डैश कर रखा है यहाँ पर फिशर कर रखा है पर हम चेक कैसे करेंगे आर एस जो है इसे हम चेक कर सकते हैं और इन ही है एक दूसरे ठीक है और अगर मान लो यहाँ का आर और वहां का भी आर ही आ जाता तो फिर ये दोनों हो जाते आइडेंटिकल या फिर होमोमर्स तो हमने क्या देखा कि अगर एक ही कारियल सेंटर है मोलिक्यूल में अगर एक ही कार्यल सेंटर है तो अपने पास दो ही पॉसिबिलिटीज बन रही है आरएस जो भी है अगर वो सेम रह रहा है तब तो हो जाएगा आइडेंटिकल और आर एस जो भी है अगर वो पलट रहा होगा तो फिर वो बन जाएगा क्योंकि R और और जो जो होते R और S जो होते है, होते हैं 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 वो एक एक दूसरे दूसरे के के मिरर मिरर इमेजेस इमेजेस होते हैं तो यहाँ पर एक ही कायरल सेंटर जो है उसके साथ डायस्टमर की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही ठीक है एक के साथ डायस्टमर की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही नेक्स्ट हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखें तो सबसे पहले ए और बी को देखो इनके बीच का रिलेशन क्या है मीजो कभी भी रिलेशन नहीं होता बेटा थोड़ी देर पहले हमने जैसे कि बताया मीजो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है मीजो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है मीजो रिलेशन नहीं है ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है तो ए और बी जो है यह है आइडेंटिकल क्योंकि हमें मिरर इमेज तो दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है पर इन में हमने क्या बोला है एक की के दो की दो की है सिर्फ नॉन सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेज मिरर इमेज सिर्फ नहीं देखना नॉन सुपर इम्पोजिबल भी देखना है और सुपर इम्पोज कैसे करके देखना है तो जैसे कि हमने बता रखा है दो तरीकों से चेक करना है सुपर इम्पोज हमेशा एक तो डायरेक्ट रखो तो उसमें तो नहीं हो रहा सुपर इम्पोज इसमें राइट right था उसमें लेफ्ट पे आ रहा था और दूसरा सिर्फ एक और तरीके से अपन को चेक करना है और वो है 180 डिग्री घुमा करके प्लेन ऑफ पेपर में तो ये दोनों ओएच लेफ्ट से चल जाएंगे राइट right पे और फिर उठा के रखोगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा और इस वजह से ये दोनों आइडेंटिकल ही हैं सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो हम बोल रहे हैं आइडेंटिकल है, है यहां पर ए और बी अब ये चीज हम वैसे भी डायरेक्टली प्रिडिक कर सकते थे क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए जो है इसके अंदर प्रेजेंट है सिमिट्री और किसी मॉलिक्यूल में अगर सिमिट्री होती है तो उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होती ही है ये तो हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब स्टार्ट किया था तभी सबसे पहले ही देख ली ये चीज तो कि मॉलिक्यूल जो उसमें अगर सिमिट्री रहेगी तो मिरर इमेज उसकी सुपर इम्पोजिबल आएगी और मॉलिक्यूल में सिमिट्री नहीं रहेगी तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगी ठीक है तो ए भी आइडेंटिकल हो गए नेक्स्ट इन की बात करें तो क्या कोई दिख रहे हैं यहां पर एक और पैर दिखता हुआ लग रहा है सी और डी चेक करते हैं तो मिरर इमेज तो है मिरर इमेज तो है ये राइट right पे ये लेफ्ट पे और ये लेफ्ट पे वो राइट right पे मिरर इमेज तो है और क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है तो पहले तो डायरेक्ट उठा करके रख दिया ये राइट पे एच लेफ्ट पे नहीं हो रहा ऐसे दूसरा सिर्फ एक और दूसरा तरीका कौन सा है कि 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में तो 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में घुमाया तो ये वजह ये आया यहाँ फिर से सेम ही चीज आ गई फिर से सेम ही चीज आ गई तो फिर से, से सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है मिरर इमेज भी है और इस वजह से ये दोनों है आपस में इन सी और डी एक सवाल ये आता है कि ठीक है वन एट्टी डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में तो घुमा रहे हैं, उसका तो रूल लिखा भी है पर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इस मॉलिक्यूल को उठा करके ऐसे पलट दो ये भी तो वन एट्टी डिग्री पलटा मॉलिक्यूल को पकड़ करके ऐसे वन एट्टी डिग्री पलट दो पर वाला रोटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि फिशर के कुछ रूल्स रहते हैं बॉन्ड जिस ओरिएंटेशन बना है तो वो कुछ ना कुछ बॉन्ड की पोजिशन बताते हैं तो ऐसे में तो फिशर का में ये मान लो सी एस ट्री को देखो किस तरफ ये अंदर की तरफ अब तुमने 180 डिग्री जब फ्लिप किया तो ये कहां पर आ गया बाहर की तरफ एक्चुअल वाले में तो बाहर की तरफ आ गया पर तुम फिशर की तरह बनाओगे तो वो क्या बताएगा कि अंदर की तरफ होना चाहिए था और इस वजह से वो चीज अलाउड नहीं है ठीक है और वो चीज ऑलरेडी कवर हो गई है क्योंकि हमने जो पॉइंट लिखा है ना कि 180 डिग्री से फिशर को घुमा सकते हैं इसलिए मैंने वो चीज ऑलरेडी वो उसके अंदर इंक्लूडेड है कि सिर्फ एक वही वाला रोटेशन तुम्हें करके देखना और दूसरा अगर हम ये सोचे कि इसको पकड़ करके ऐसे क्यों नहीं फ्लिप कर देते इसको पकड़ करके ऐसे क्यों नहीं फ्लिप कर देते तो वही वाली चीज हो रही है कि भाई ये ओएच यहाँ पर एक्चुअल में कहां पर है बाहर की तरफ अब तुमने पकड़ करके ऐसे जब घुमाया तो वो ओएच जो बाहर था वो कहां पर चल गया पीछे अंदर की तरफ चल गया वन एट्टी डिग्री घुमाया और जबकि फिशर में तुम बनाओगे तो फिशर में तो वो कहां पर दिखेगा तुम्हें बाहर की तरफ हॉरिजोंटल वाला और इस वजह से वाला भी फ्लिपिंग अलाउड नहीं है प्लेन ऑफ पेपर में वन डिग्री से घुमा सकते डायस्टीरियोमर्स की बात करें तो देखो नॉन मिरर इमेजेस चाहिए अब अपन को नॉन सुपर इम्पोजर तो A को सी के साथ ले लो तो नॉन मिरर इमेजेस हैं क्योंकि यहां पर दोनों राइट पे तो वो ऑपोजिट साइड थोड़ी हो जाएंगे ठीक है तो ए को सी के साथ ले लो और दूसरा ए का डी के साथ कॉम्बिनेशन ले लो एक एक बार में दो दो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल के बीच के ये रिलेशन है नेक्स्ट बी को सी के साथ ले लो और बी को डी के साथ ले लो एक ही चीज है वो ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए के ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करके बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें आंसर देना है फिफ्थ वाले में सबसे पहले इनशमर्स के पेयर्स कौन कौन से या क्या पर, क्या यहां पर कोई आइडेंटिकल भी है वो वाली चीज भी तुम सोच सकते हो क्या कोई आइडेंटिकल है ए और बी आइडेंटिकल है या नहीं है यहाँ पर यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं, नहीं है नहीं है 180 डिग्री से रोटेशन करके भी चेक कर सकते थे भाई ऐसे रखा तो ये तो एफ राइट आ रहा है ये लेफ्ट आ रहा रहा। और 180 डिग्री से घुमाया तो ये एफ यहां से घूम करके जाएगा यहाँ पर नीचे और उसको तुम यहाँ सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो तो सीएल के ऊपर आएगा तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा आइडेंटिकल नहीं है और वो हम वैसे भी प्रिडिक कर सकते थे कि क्योंकि इसके अंदर कोई नहीं नहीं आ रही, सिमेट्री नहीं आ रही रही तो इसकी मिरर इमेज नॉन आनी ही थी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल आनी ही थी क्योंकि सिमिट्री नहीं थी ओरिजिनल मॉलिक्यूल में तो क्या ए और बी इनशमर्स है इनशमर्स है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिररर इमेजेस ठीक है मिरर इमेजेस है एक दूसरे के तो ए और बी हो गया क्या और कोई भी अपने पास इन है यहां पे <स्याँग> जल्दी बताओ भाई <स्याँग> <है>? <स्याँग> सी और डी भी आपस में हैं ऐसा क्यों है भाई सी और डी भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और दूसरी चीज नॉन सुपर इंपोजिबल हम चेक कर ले तो भाई ये राइट पर आ रहा है या लेफ्ट पे आ रहा है ठीक है 180 डिग्री घुमाओगे तो ये एफ घूम करके चला जाएगा यहां पर नीचे तो कोइंसाइड नहीं करेगा उठा के रखेंगे तो सी और डी नेक्स्ट डायस्टीरोमर्स की बात करें तो कौन कौन से पैर रहेंगे बताओ इन के अलावा के बाकी के पैर से ले लोश्यूमर है तो ए को सी के साथ ले लो या ए को डी के साथ ले लो ये दोनों नॉन मिरर इमेजेस है वो दोनों भी नॉन मिरर इमेजेस है ए सी ए डी और भी कोई आ रहे हैं क्या डायस्टिर कौन कौन से बी सी और बी डी ये बी डी किसने बोला भाई हाँ. सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो क्या नहीं होगा नहीं सिमिट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसका इनशुमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल आएगी सिक्स वाला क्वेश्चन तुम्हें बताना है इनको बोल रहे हैं हम ए बी और सी मॉलिक्यूल्स सबसे पहले जी आई के पेर्स कौन कौन से हैं पहली चीज मुझे बताओ ए सी से के ट्रांस है ए सी सै के ट्रांस है ए सि है ट्रांस है. है? है और सी क्या है सी भी ट्रांस है ठीक है तो जीआई के पे कौन कौन से रहेंगे भाई ए को बी के साथ लो ये आपस में जी आई है और ए को सी के साथ लो ये भी आपस में जी आई है क्या बी और सी भी आपस में जीआई है बी सी आपस में जी आई नहीं है ये भी ट्रांस है वो भी ट्रांस है ठीक है ये दोनों आपस में जी नहीं है ठीक है इन दोनों के ही जी आई क्या है A है ठीक है तो जी आई के ये वाले नेक्स्ट हम आते हैं मीजो पे तो मीजो के दो की क्या बताया था थोड़ी देर पहले? दो सेंटर बोलने की है। क्या बोले हम सेंटर प्लस सेंटर प्लस क्योंकि एक के साथ वैसे ही नहीं मिल पाएगी सिमिट्री तुम्हें ठीक है तो कायरल सेंटर प्लस सिमिट्री होनी चाहिए तुम मुझे बताओ मीजो कंपाउंड कौन कौन से है सिर्फ ए ही है क्या तो आंसर है सिर्फ ए ठीक है सिर्फ ए ही है मीजो देखते हैं कैसे तो देखो कायरल सेंटर चाहिए पहली चीज तो ये कायरल सेंटर है क्यों एच सी एल और इस तरफ जाओ और इस तरफ जाओ चारों बॉन्ड्स अलग अलग हैं वैसे ही ये भी कायरल सेंटर कायरल सेंटर है और साथ ही साथ में सिमिट्री यहां पर है क्या कौन सी वाली प्लेन ऑफ सिमिट्री है प्लेन ऑफ सिमिट्री है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ए तो है बी में देखते हैं क्या बी में प्लेन ऑफ सिमिट्री है प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है क्या सेंटर ऑफ सिमिट्री है हो ही नहीं सकती तीन ही कार्बन है ठीक है तो बी और सी दोनों ही नहीं हो सकते मीजो दोनों में सिमेट्री नहीं है नेक्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखते ऑप्टिकली एक्टिव सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होने चाहिए पीओएस एस एस दोनों ही नहीं होना चाहिए कौन से रहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव बी और सी बी और सी में सिमेट्री नहीं है तो आंसर हो गया बी और सी और ऑप्टिकली इनएक्टिव ए रहेगा ए में सिमेट्री है इनैंशोमर्स इनशोमर्स के यहां पर पेर एक है बी और सी बी और सी हम देखे तो मिरर इमेजेस है ये ऊपर जो सीएल है वो ऊपर आ गया और ये नीचे वाला सीएल यहाँ पर सामने मिरर इमेज में नीचे आ गया मिरर इमेज है दूसरा नॉन सुपर इंपोजिबल चेक कर लेते हैं तो वैसे भी हमें पता है कि इसमें सिमिट्री नहीं है तो मिरर इमेज नॉन सुपर आनी चाहिए और वैसे भी चेक कर ले रख करके भी तो इसको रखा है इसके ऊपर तो यहाँ पर सीएल आ रहा है राइट पर और इसका सीएल आएगा लेफ्ट पर ठीक है एच के ऊपर आएगा तो नहीं हो रहा और दूसरा है कि तुम 180 डिग्री फ्लिप कर दो तो 180 डिग्री जब फ्लिप करोगे तो ये सीएल घूम के जाएगा नीचे ये सीएल घूम के जाएगा ऊपर फिर से सेम ही चीज आ जाएगी ठीक है किसी भी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे और इसलिए ये दोनों है एक दूसरे के इनशमर्स सी बी और सी और डायस्टीरोमर के पेयर कौन से हो जाएंगे नॉन नॉन मिरर इमेज तो ए को बी के साथ ले लो और ए को सी के साथ ले लो क्योंकि कभी भी तुम सीस की मिरर इमेज ले रहे हो तो सी सी आएगी सीस की मिरर इमेज ट्रांस नहीं हो जाएगी ठीक है तो ये दोनों नॉन मिरर इमेजेस है और ए और सी भी नॉन मिरर इमेज है तो ए बी और ए सी आगे के क्वेश्चन सोचो और फिर ये और क्वेश्चन लिख रहे हैं या क्वेश्चन भी नोट करो आगे के भी ठीक है आगे के क्वेश्चंस भी नोट करें इनमें भी हमें यही करना है इलेवेंथ में क्वेश्चन लिख रखा है हमने ए बी सी डी आर फोर स्टीरियो आइसोमर्स विद टू कायरल सेंटर्स हैविंग कॉन्फिग्रेशन एस फॉलोज डी चार स्टीरियो आइसोमर्स है हर एक के अंदर दो दो कायरल सेंटर्स है और हर एक कायरल सेंटर का कॉन्फिगरेशन इस तरीके से है और हमें बताना है कि इनमें रिलेशन क्या रहेगा हमें बताना है कि इनशोमर्स के पेयर कौन कौन से रहेंगे और डाय के पेयर कौन कौन से रहेंगे ठीक है देखेंगे डिस्कस करेंगे <laughs> इनमें भी सब में रिलेशन ही बताना है कि आइसोमेरिज्म का कौन सा टाइप का रिलेशन है भाई अटेम्प्ट करके देखे सबने नोट कर लिया क्या नहीं करा ठीक है सेवेंथ वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करके देखते हैं सेवेंथ वाले क्वेश्चन में रिलेशन क्या रहेगा सिस और ट्रांस ठीक है कौन सा वाला है सिस कौन सा वाला है पहला वाला ह एच और एच बना दो तो ये दिख गया सिस और ये वाला दिख गया अपने को ट्रांस तो जी आए तो बोल सकते हैं क्या और कुछ भी रिलेशन बता सकते हैं इनके बीच में तो थोड़ी देर पहले जो चीज हमने पढ़ी डायस्टीरोमर भी बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के स्टीरो आइसोमर्स है आइसोमर्स है क्योंकि जी है, आई ओ आई दोनों स्टीरो आइसोमर के टाइप रहते हैं ठीक है स्टीरो आइसोमर्स है और नॉन सुपर इंपॉसिबल नॉन इमेज ठीक है थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि सिस और ट्रांस जी आई जो रहते हैं वो भी डायस्टिर की कैटेगरी में आते हैं तो डायस्टीरोमर्स भी हम इनको बोल सकते हैं अगला क्वेश्चन देखें नहीं ऑप्टिकल आईसोमर तो तुमने <laughs> एकदम ही लंबी वाली दे दी ऐसे एस, तो बस आईसोमर ही बोल दो <laughs> आईसमर है सर ऑर्गेनिक कंपाउंड है <laughs> और भी ऊपर चल जा मैटर है मैटर मे, <laughs> दोनों ही मैटर ऐसा थोड़ी भाई तुम फिलोसॉफिकल लेवल पर चलेगा तुम तो थोड़ी एग्जैक्ट बता ना एग्जैक्ट ठीक है तो यहां पर देखें आइडेंटिकल है दोनों देखते हैं कैसे हमने जो कंडीशन पढ़ी थी हमने जो एक ट्रिक पढ़ी थी फिशर के अंदर इंटर कन्वर्ट करने की वो लगा करके देखते हैं क्योंकि अभी तो कंपेरेबल फॉर्म में दिख ही नहीं रहे भाई सी एच थ्री इसका ऊपर है यहाँ पर सी एच थ्री नीचे आ गया लेफ्ट में आ गया ठीक है तो कंपेयर डायरेक्ट कर ही नहीं पा रहे हम तो पहले कंपेरेबल फॉर्मला है तो देखो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर तुम आर एस निकालो और फिर सामने वाले के भी आर एस निकालो और फिर आर एस जो है उनको कंपेयर करो उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अपने पास अगर दो कार्यल सेंटर्स रहते हैं दो कार्यल सेंटर्स अगर रहते हैं तो फिर हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कौन कौन से केस बन सकते हैं तो देखो समझो इस चीज को ठीक है इलेवेंथ वाला क्वेश्चन पहले करते हैं फिर इसके ऊपर आएंगे तो हम बोल रहे हैं एबीसीडी चार स्टीरो आइसोमर से बोल ही दिया है स्टीरो आइसोमर से हरे के अंदर दो कारल सेंटर से और कारल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जैसे नाइन्थ में भी दो कारल सेंटर है तो उनके कॉन्फिग्रेशन के हिसाब से देखना है यहाँ पर भी कॉन्फिग्रेशन के हिसाब से तो कैसे देख तो देखो अपने पास क्या क्या चीजें हो सकती है कि दो कायरल सेंटर से पहले तो पहली तो चीज हो सकती है कि यहाँ के जो भी आर एस है दोनों ही कायरल सेंटर पर जो भी आर एस सामने वाले पर भी वो आर एस सेम, सेम ही आ जाए सेम ही आ जाए तो अगर सेम ही आ गए सामने वाले पे भी तो फिर तुम क्या बोलोगे आइडेंटिकल तब तो सेम ही बोलोगे आइडेंटिकल या होमोमर्स भी बोल सकते हो ठीक है होमर्स हो सकता है कि थोड़ा कुछ अलग तरीके से बता रखो दूसरा केस हो सकता है कि यहाँ के जितने भी आर एस हो वो सारे के सारे सामने के अंदर पलटे हुए रहे जितने भी आर एस आर हो रहे हो वो एस हो रखे हो और जितने भी एस हो वो आर हो रखे हो तो उस केस में क्या बोलोगे जितने भी आर एस है अगर वो सारे के सारे पलटे हुए दिखेंगे तो फिर क्या बोलोगे इन बोलोगे क्योंकि भाई जब हम मिरर इमेज लेंगे तो जितने भी आर एस होंगे जितने भी कार्यल सेंटर होंगे वो सारे के सारे ही पलटेंगे ना ऐसा थोड़ी करेगा मिरर के एक तो कार्यल सेंटर को पलट दिया दूसरे वाले को नहीं पलटा ऐसे थोड़ी है भाई ग्रेट खली जब लड़ाई करता था तो सामने जो भी आता सबको उठा करके पटकता था कि नहीं पटकता था भले अंडरटेकर ही क्यों ना आ जाए अब बाद में हार गया हो तो कुछ भी ठीक है पर पॉइंट ये है कि जितने भी आर एस एस सारे के सारे पलटेंगे सारे के सारे पलटेंगे और सारे अगर इन्वर्टर दिखे तो वो हो जाएंगे इन तीसरा केस एक और भी हो सकता है और तीसरा केस क्या हो सकता है कि कुछ आर एस तो कुछ कायरल सेंटर के तो कॉन्फ़िगरेशन पलटे और कुछ के ना पलटे कुछ के पलटे और कुछ के ना पलटे ये वाला केस बैठेगा डायस्टीरोमर्स का क्यों बैठेगा डायस्टूरमर का क्योंकि मिरर इमेज में तो क्या होता है कि सारे के सारे पलटते और नॉन मिरर इमेज है तभी कुछ पलटे हैं और कुछ नहीं पलटे ठीक है तो ये केसेस हो सकते हैं नेक्स्ट इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस वाले क्वेश्चन में तुम मुझे बताओ इनैंशोमर्स के पैर कौन कौन से हैं इनशोमर्स के पेर दिख रहे हैं हमें ए डी और बी सी भाई ए और डी को देखो जितने भी आर एस थे दोनों आर थे वो दोनों के दोनों पलट गए ऐसे में हो गए तो ए डी और दूसरा हो गया बी सी दोनों आर एस पलट करके हो गए एस आर तो बी सी और डायस्टीरियोमर की बात करें तो भाई ए को बी के साथ देखो तो दूसरा वाला आर तो पलट करके ऐसे हो गया पर पहला वाला आर सेम रह गया तो कुछ पलटे और कुछ नहीं पलटे तो वो रहते हैं डायस्टिर तो ए बी ले लिया और उसी तरीके से ए को सी के साथ ले लिया तो पहला वाला आर तो पलट करके एस हो गया पर दूसरा वाला नहीं पलटा तो ए सकते हैं भाई बी और डी को ले लो आर कन्वर्ट हो एस में हो गया पर दूसरा वाला कन्वर्ट नहीं हुआ बी डी और सी डी भाई कुछ बी डी पर ही अटक गए हम सी डी तक पहुंच गए ठीक है ठीक है इस तरीके से देखते थे अब यहां पर भी हम उस चीज को लगा करके देखते हैं तो एक तो तरीका है कि आर एस निकाल करके देखो और इनमें से जो भी केस बैठेगा मान लो जितने भी आर एस है वो यहां पर हमने बोल ही रखा है आइडेंटिकल तो तुम्हें सेम ही मिलेंगे ऑफ कोर्स ठीक है निकाल करके देखना दोनों के आर एस ठीक है दूसरा और शॉर्टर तरीका डिस्कस करते हैं तो शॉर्टर तरीका है कि फिशर प्रोजेक्शन में ऑर्डर इवन इंटरचेंज वाला फिशर प्रोजेक्शन में ऑर्डर इवन इंटरचेंज वाला देखते हैं वो कैसे लगाएंगे तो सबसे पहले इस ऊपर वाले कायरल सेंटर को देखें ऊपर वाले कार्यल सेंटर को देखें हम क्या देख रहे हैं सी एस थ्री यहाँ ऊपर था यहाँ पर लेफ्ट का रहा था तो एक तो इंटरचेंज ये कर दिया सी एस थ्री को हमने पहुंचा दिया यहाँ पर और एच आ गया यहाँ पर पर हम देख रहे हैं कि H उसमें फाइनली राइट पर है तो एक और इंटरचेंज किया हमने एच और एफ के बीच में दूसरा इंटरचेंज कर दिया ठीक है जिससे एफ यहाँ आ गया एच यहाँ पर आ गया तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ से वहां कन्वर्ट करने में ऊपर के कायरल सेंटर पर दिख रहे हैं दो इंटरचेंज का मतलब है इसका आर एस जो भी होगा वो सेम होगा दूसरे कार्यल सेंटर के लिए भी चेक करना है कि क्या हो रहा है यहां पर अगर हम देखें तो सी एस थ्री वहां पर राइट पे पहुंच रखा है तो पहला तो इंटरचेंज ये सी एच थ्री और सीएल के बीच में अब सी एच थ्री तो, तो यहाँ पहुंच गया पर CL आ गया यहां, जबकि हमें सीएल चाहिए यहाँ पर तो एक और इंटरचेंज किया एच और सीएल के बीच में तो जिससे हमें क्या दिख रहा है नीचे वाले कार्यल सेंटर पर भी इंटरचेंज दिख रहे हैं दोनों पर इवन इंटरचेंज है और इस वजह से हमने बोल रखा है आइडेंटिकल एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका क्या था कि आर एस निकालो रूल्स हमने पढ़ी रखे हैं फिशर के सिंपल से हैं और यहाँ पर भी तुम्हें आर एस सेम ही देखने को मिलेंगे अब एक चीज का ध्यान रखना है इसमें बस चीज का ध्यान क्या रखना है कि ऑड या इवन इंटरचेंज जो हम ये कर रहे हैं ये एक ही कार्यल कार्बन के ऊपर करके कर देखने एक ही कार्यल कार्बन के ऊपर करके देखना ऐसा नहीं करना कि मान लो एक इंटरचेंज तो हमें ऊपर वाले कारियल कार्बन पे दिख गया दूसरा इंटरचेंज हम कहें कि एक नीचे वाले कारियल कार्बन पर है

ठीक है आइडेंटिकल नहीं रहते ठीक है तो इस चीज का आप ध्यान रखें वो राइट के पे। पर ध्यान देने की चीज क्या है कि भाई ऊपर वाला जो कार्बन है ऊपर यहाँ पर तीसरा क्या हुआ है एच यहाँ पर तीसरा क्या लगा सी एस थ्री और यहाँ पर नीचे वाले पर और यहाँ पर नीचे एच है एक माइक बैटरी चेंज करता ठीक है तो यहाँ पर अगर मान लो हम सुने अगर हम आर एस के हिसाब से कंपेयर करते तो हमें किसको किससे कंपेयर करना पड़ता ये ऊपर वाला जो कार्बन है इसको हमें कंपेयर करना पड़ता नीचे वाले से और ये नीचे वाला जो कार्बन है इसको कंपेयर करना पड़ता ऊपर वाले से ठीक है इस तरीके से हमें कंपैरिजन करना पड़ता तब फिर वो फेयर कंपैरिजन होता ठीक है तब फिर वो करेक्ट कंपैरिजन रहता और दूसरा ठीक है और इस तरीके में क्या करते हैं कि इसका जो भी आर एस आता और फिर यहाँ पर भी आर एस देखते पर नीचे से ऊपर देखते हैं यहां पर और फिर वो कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन से केस में बैठ रहा है दूसरा तरीका और तरीका और पर यह है कि हम ये ऑब्जर्व करेंगे दूसरे वाले को डिग्री अगर घुमाया तो अपने पास पहला वाला बन रहा है कैसे सी डब्ल्यू एच ऊपर गया सी डब्ल्यू एच नीचे आ गया ये ओ एच OH यहाँ आया ये ओ एच OH यहाँ पर आ गया तो इतना तो मैच कर गया अब ये जो सी एस था वन एट्टी डिग्री घुमाने पर जाएगा यहाँ पर इधर आ गया और ये एच वन एटी डिग्री घुमाने पर आ गया यहाँ ठीक है तो वन डिग्री घुमा करके बना रखे हैं प्लेन ऑफ पेपर में और इस वजह से ये दोनों भी है आइडेंटिकल ठीक है और अगर आर एस से करना था तो तुम समझ रहे हो इसके आर को उसके आर एस से कंपेयर नहीं कर सकते थे इसके कॉन्फ़िगरेशन को नीचे से करते और इस नीचे वाले के कॉन्फ़िगरेशन को ऊपर वाले से कंपेयर करते ठीक है वो करेक्ट कंपेरिजन नेक्स्ट हम बात करें टेंथ में डैशम नहीं है रिलेशन क्या है दोनों के बीच में तो रिलेशन मीजो तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी <laughs> रहती है भाई वन टू थ्री फोर वन टू और फोर पे लगे यहां पर लगे वन टू और थ्री पे और इस वजह से यहां पर क्या चेंज हो रखा है स्ट्रक्चर पोजिशन चेंज हो रखी है पोजिशन किसका पार्ट आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर अगर चेंज कर दिया तो स्टीरो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन नहीं लग सकती क्योंकि स्टीरो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन का पहला ही शब्द है सेम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए तभी स्टीरो आइसोमर जो कि जी आई या ओ आई होते हैं वो तभी डेफिनेशन लगा सकते हो तो जी आई या ओ आई या डाय स्टीरोमर बोल ही नहीं सकते क्योंकि स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो फिर क्या बोलेंगे इनको इनको बोलेंगे पोजिशन आइसोमर्स ठीक है और जी आई ये आपस में नहीं है देखने में लगता है कि तीनों वेज पर लगे हैं और दो वेज पर और एक डैश पर ठीक है पर ये आपस में नहीं है ये जी आई वैसे डिपिक कर सकता होगा पर इसका जी आई कुछ और रहेगा ये सामने वाला ये मॉलिक्यूल नहीं ठीक है नेक्स्ट इलेवन बात कर ली थी ट्वेल्थ वाले में देखो हमें दो चीजें देखने को मिल रही है पहली चीज तो कि अपने पास सीस से बन रहा है ट्रांस डबल बॉन्ड पे और दूसरी चीज तुम ये देख सकते हो कि कारियल सेंटर का कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है एक इंटरचेंज दिख रहा है एच जो वेज पे था वो जा रहा है डैश पर या एग्जैक्ट निकाले तो वन प्रायोरिटी इसकी हो गई टू इसकी हो गई थ्री हो गई वन से टू से थ्री लीस्ट प्रायोरिटी डैश पर है तो वन से टू से थ्री ये आएगा एस और य आएगा आर ठीक है निकाल करके देख तो तुम मुझे बताओ इनको क्या बोले इनमर बोले आइसोमर तो अब तुम <laughs> ठीक है तुमने <laughs> ज्यादा ही तुम ऊपर चले गए चार्ट में ठीक है तो हमके चार्ट में थोड़ा नीचे उतरे एग्जैक्ट क्या बोलेंगे इनशुमर के डायस्टीरमर क्या बोले <laughs> तुम मुझे बोलो बताओ इनैनशमर हमें क्यों लग रहा है क्योंकि ऐसे आर हो रहा है पर साथ ही साथ में क्या हो रहा है सी से ट्रांस भी बन रहा है तो मुझे बताओ सी की मिरर इमेज सीस होती है या ट्रांस होती है yes. सीस की मिरर इमेज तो सी सी रहती है इसका मतलब ये दोनों नॉन मिरर इमेजेस हैं नॉन मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपरइम्पोज तो वैसे भी हैं सही ठीक है तो इस वजह से डेफिनेशन में किसकी बैठेंगे ये फिट डायस्टीरो हाँ जी आई भी बोल सकते हो जी आई भी बोल सकते हो या डायस्टोरिमर भी बोल सकते हो। हाँ ऑलवेज नहीं बोल रहे ठीक है ऑलवेज नहीं बोल रहे पर पर हमारे जितने सिलेबस में उत्तम है तो जी आई जो हमें दिखेंगे वो डायस्टोरी दिखेंगे हाँ हाँ टेंथ का सेकंड वाला मीजो कंपाउंड रहेगा कैसे क्योंकि इसमें सिमिट्री रहेगी कैसे रहेगी सिमिट्री तो इस तरीके से कट दो थोड़ा सा अनसिमिट्रिकल तरीके से बना हुआ लग रहा है पर एक्चुअल में कार्बन क्लोरीन कट गया ये बॉन्ड आधा आधा कट गया कार्बन कार्बन दिख गया और ये वेज पे दिख गए ठीक है तो एक्चुअल में मिजो रहेगा क्योंकि सिमिट्री है टैरल सेंटर ठीक है नेक्स्ट हम अगली चीज पर आते हैं ऑप्टिकल आइसोम में काउंटिंग ऑफ स्टीर आइसोमर्स तुम्हें ध्यान होगा जब जीआई हमने पढ़ा था तो जीआई के एंड में उनकी काउंटिंग सीखी थी ठीक है तो नेक्स्ट हम ओ आई पढ़ लिया तो अब इसकी भी काउंटिंग देखते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग डाले काउंटिंग ऑफ स्टीरियो स्टीरियामर वर्ड जनरल वाला यूज करें इसका मतलब जी आई ओ आई दोनों ही लेंगे हम ठीक है अब सारे जी आई ओ आई दोनों ही काउंट कर सकते हैं देखते हैं कि यहां पर कौन कौन से केस बनते हैं सबसे पहली चीज तो अपन क्या कर रहे हैं यहां पर भी कि जैसे जी आई में थे, यहाँ पर भी फॉर्मूले जी आई के फॉर्मुले जो पढ़े थे वो ब्रॉडली कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए थे ब्रॉडली दो में कौन क्या बेसिस था अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल वैसे ही यहां पर भी अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और उसमें देखते हैं कि अपने पास किस तरीके से देखते हैं सबसे पहला केस हम ले रहे हैं अनसिमेट्रिकल इसमें पहला कॉलम हम बना रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स दूसरा कॉलम बना रहे हैं मीजो स्टीरियो आइसोमर्स और तीसरा कॉलम बना रहे हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो रहता है, भाई बोल ही दिया है, है? तो जीआई के टाइम पर भी बोल ही दिया अनिमिट्रिकल तो इसका मतलब मीजो उसमें नहीं होगा क्योंकि मीजो के अंदर क्या चाहिए होती है सेंटर प्लस सिमिट्री तो मीजो कुछ भी नहीं रहेगा और टोटल जो होंगे वो सारे के सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे बेसिकली इस आ, चार्ट इस टेबल के कॉलम्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं तो देखो पहले कॉलम ऑप्टिकली तो एक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो एक तरीके तरिक, से तुम बोल सकते हो ऑप्टिकली इनएक्टिव ठीक है ऑप्टिकली तो एक्टिव यहाँ पर आगे ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पर आगे और दोनों का सम कर दिया तो अपने पास आ गए टोटल ठीक है टोटल नेक्स्ट हम दूसरे केस पर आते हैं कि अनसिमेट्रिकल तो फॉर्मूला जीआई में भी यही था यहां पर भी यही है इसमें तो कुछ ऐसी खास याद रखने की बात नहीं है नेक्स्ट हम आते हैं सिमेट्रिकल के केस पे तो तुम्हें ध्यान होगा सिमेट्रिकल में पहले भी कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था दो कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन ऑर्ड और इवन ठीक है तो यहां पर भी देखते हैं तो सबसे पहले सिमेट्रिकल विद इवन नंबर ऑफ कायरल Even number of chiral centers. और दूसरा केस हम देखेंगे सिमिट्रिकल विद ऑर्ड नंबर ऑफ कार पहला इवन का केस दूसरा केस देखेंगे ऑर्ड का इनके फॉर्मुले देखते हैं सबसे पहले इवन में बात करें तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव जो रहते हैं ये तो रहते हैं टू रेस टू एन माइनस वन मीजो जो होते हैं ये होते हैं टू रेस टू एन बाय टू माइनस वन और टोटल जो होते हैं टोटल में दोनों का सम कर देंगे और दोनों का सम आएगा टू रेस टू एन माइनस वन प्लस टू रेस टू एन बाय टू माइनस वन ऑर्ड के साथ में फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला रहता है ऑप्टिकली एक्टिव यहां पर रहता है टू रेस टू एन माइनस वन माइनस टू रेस टू एन माइनस वन बाय टू मीजो यहां पर होते हैं टू रेस टू एन माइनस वन बाय टू और दोनों का सम लेंगे तो सम क्या आएगा टू के पावर एन माइनस वन आएगा क्यों क्योंकि ये माइनस और प्लस वाली जो टर्म्स है ये दोनों सेम ही है ठीक है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे माइनस टू रेस्ट एन माइनस वन बाय टू और प्लस तो इस वजह से दोनों का जो सम करेंगे तो अपने पास बस ये वाली टर्म बच जाएगी टू रेस्ट टू एन माइनस वन तो ये तो बात हुई अपने पास फॉर्मूला की ठीक है फार्मूला तो अपनी जगह है ठीक है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है फॉर्मूला याद रख सके तो अच्छी बात है और अगर नहीं याद रख सके तो भी हम बात करें ठीक है एग्जैक्टली हम बात करेंगे आगे चलते हुए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को टेकल करें तो यहां तक नोट कर लें और फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नोट डाउन करें जिनमें हमें टोटल स्टीरो आइसमर्स डिटरमाइन करना है एक सेकंड फाइंड टोटल स्टीरियो आइसमर्स ठीक है यहां तक नोट डाउन कर लो फिर आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं सॉल्व करके हाँ हाँ आइडेंटिकली पर ग्रुप्स भी चेक कर लेना कि ग्रुप्स भी सेम होना चाहिए ठीक है थर्ड वाले में थर्ड वाले में क्या दिक्कत है बेटा ये एक ही है ये ऑप्टिकली एक्टिव का लिख रखा है टू रेस टू एन माइनस वन माइनस टू रेस टू एन माइनस वन टू फॉर्मूला है फॉर्मूला तो जो है वो है हाँ नहीं ये बोला कि ऑप्टिकली एक्टिव ये है मीजो ये वाले हैं मीजो को बेसिकली ऑप्टिकली इन के तौर पे भी पढ़ सकते थे और टोटल दोनों के सम रहेंगे तो दोनों का जब सम करोगे टोटल निकालने के लिए तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये दोनों टर्म सेम है ना पर ये माइनस है ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बस रह जाएगा टूरेस्ट टू एन माइनस क्वेश्चंस नोट कर लो हाँ बात करेंगे एन के बारे में बात करेंगे एन बेसिकली है नंबर ऑफ हाँ हाँ बात करेंगे बेटा ठीक है अपन के अगर बस एन है नंबर ऑफ ओ आई सिस्टम प्लस नंबर ऑफ जी आई सिस्टम तो अगर बस कायरल सेंटर्स है तो कायरल सेंटर्स लेंगे और अगर जीआई वाले भी आ जाएंगे क्योंकि आगे वाले फार्मूला आगे वाले मॉलिक्यूल्स में भी लगाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रहेगा जीआई और ओआई का दोनों तो स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप है तो बात करेंगे ठीक है उसकी बात करेंगे क्वेश्चंस पहले नोट कर लो ठीक है सारे बेटा मोबाइल साइलेंट कर लो क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करके देखें। सबने नोट कर लिया के नहीं करा भाई ठीक है फर्स्ट वाले से स्टार्ट करके देखें। नोट कर रहे हो लिख लो लिख लो नोट कर ले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल क्लियरली अनसिमेट्रिकल ठीक है ग्रुप्स डिफरेंट है एफ है है यहां पर एल आय सेंटर्स कितने यहां पर एक तो ये हो गया और एक ये हो गया फॉर्मूला लगेगा अनसिमेट्रिकल वाला टूरेस्ट टू एन तो यहाँ पर कार्यल सेंटर से टू ओ आई के सेंटर है टू तो अपने पास टोटल स्टीरोस हो जाएंगे चार अब उसमें भी अगर हम डिटेल में जाकर के करें तो ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे टूरेस्ट टू टू फोर मीजो की बात करें तो अनसिमेट्रिकल है तो मीजो कोई भी नहीं रहेगा और टोटल की बात करें टोटल की बात करें तो दोनों का सम हो जाएगा चार अब चार कैसे कैसे बनेंगे तो देखो सीधी सीधी सी बात पहले हम देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअली आर एस हो सकता है और ये भी इंडिविजुअली आर एस हो सकता है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे पहला तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा आर आर दूसरा जाएगा आर एस तीसरा जाएगा एस आर और चौथा हो जाएगा एस और एस exactly इन चारों के स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे तो अभी अभी ये जो हमने रिलेशन वाले जो क्वेश्चन करें उसको पेज को खोल करके देखो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में जो चार स्टीरियो आइसोमर्स हैं इसके ठीक है वो चारों बना रखे हैं हम हर एक की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं किसी में भी सिमेट्री नहीं है सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव है और चार उस तरीके से बनेंगे ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन के ऊपर तो सेकेंड वाला सिमिट्रिकल के अनसिमेट्रिकल सिमिट्रिकल वाला केस दिख रहा है ठीक है सेंटर्स दिख रहे हैं दो इवन नंबर ऑफ सेंटर्स दिख रहे हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे नीचे वाला ऊपर वाला इवन वाला, वाला ये वाला केस था नीचे वाला ऑड वाला केस था तो एन की वैल्यू हो गई दो अब सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने आएंगे टू रेस टू टू माइनस वन तो टू रेस टू वन ऑप्टिकली एक्टिव हो गए दो मीजो की बात करें तो मीजो कितने आएंगे टू रेस टू एन बाय टू माइनस वन तो टू रेस टू टू बाय टू माइनस वन तो टू रेस टू जीरो तो हो गया वन और टोटल की बात करें तो टोटल के लिए दोनों का सम कर देंगे तो टू प्लस वन हो जाएगा थ्री इसके तीन कौन कौन से रहेंगे तो फिर से वो जो रिलेशन निकालने वाला है क्वेश्चन कर रखे थे उसमें देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्वेश्चन नंबर फोर में सारे बना रखे ए और बी जो है वो तो हमने बोल दिया क्या है आइडेंटिकल और ए और बी दोनों ही जो है वो मीजो है कि ऑप्टिकली एक्टिव है ए और बी वाले कौन से कैटेगरी में आएंगे मीजो सिमिट्री है ना भाई उनमें तो एक ये जो मीजो बनने वाला था वो कौन सा वाला है ए और बी वाला ठीक है और ऑप्टिकली एक्टिव वाले जो थे वो कौन से वाले हैं सी और डी सी और डी जो थे वो हैं दोनों ऑप्टिकली एक्टिव और दोनों का सम कर लो तो टोटल हमारे पास तीन यूनिक है ए और बी तो कॉमन ही थे ठीक है तो अपने पास इस तरीके से बन रहे नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन में बात करें एफ और ओ OH, एच दो ग्रुप्स लगे हुए हैं तुम बताओ सिमिट्रिकल के अनसिमेट्रिकल अनसिमिट्रिकल Un का केस है दो कायरल सेंटर्स से, हैं, दो ओ आई सेंटर्स से, है ये इंडिविजुअली आर एस हो सकता है ये इंडिविजुअली आर एस हो सकता है सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव ही आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव टू रेस टू टू फोर मीसो आएंगे जीरो और टोटल हो जाएंगे दोनों का ले, लेंगे तो आ जाएगा <laughs> तुम्हारा फेवरेट आंसर आ गया ठीक है आधे लोगों का तो इसमें ही दिन बन जाता है चार चार आंसर आ गया नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं fourth question में हम देख रहे हैं सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल केस विद इवन नंबर ऑफ कारियल सेंटर्स तो हम समझ रहे हैं बेसिकली ये तो सेम ही कैलकुलेशन हो जाएगी एस सेकेंड तो सेम कैलकुलेशन जो है दिस इज एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो और इसके जैसे कि हम देख सकते हैं कि टोटल बनेंगे तीन ठीक है जैसे कि ऊपर भी आंसर आ रहा था और एग्जेक्टली वो कैसे देखेंगे तो फिर से वो रिलेशन वाला निकालो और उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 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 क्वेश्चन क्वेश्चन देखो बस फर्क ये है है कि में बना रखी थ्री मेंबर रिंग उसकी जगह यहां पर बन जाएगी फाइव मेंबर रिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक तो बनेगा सिस सिस जिसमें जो है, सेम साइड पे लगे रहेंगे और वो जो सिस वाला जो होगा वही होगा मीजो, क्योंकि उसके अंदर सिमिट्री भी रहेगी वाला मीजो रहेगा और जो दोनों ट्रांस वाले रहेंगे, जो पर रेफरेंस भी दे सकते हो ठीक है यहां पर ये क्वेश्चन नंबर सिक्स से पिछले वाले से सिमिलर है वहां पर हमने सारे एक्चुअल स्ट्रक्चर्स के साथ बना रखे तो बेसिकली सिमिट्रिकल वाले जो केस है वो हमें मेन यही देखने को मिलते हैं दो दो सेंटर्स तक वाले ठीक है दो सेंटर्स तक वाले जिसमें या तो ओपन चेन दे दें तो ये आंसर हो गया क्लोज चेन दे दें तो ये आंसर हो गया एग्जैक्ट बना करके भी देख सकते हैं ठीक है या आंसर याद रख सकते हैं तीन कायरल सेंटर के साथ सिमिट्रिकल वाला मुश्किल चीज है ठीक है मुश्किल चीज है तो इसलिए ये वाला ही मेन सिमिट्रिकल का ध्यान रखना बाकी वैसे तो फॉर्मूला अगर याद रख सको अगर याद रख सको तो वो तो बेस्ट चीज है ठीक है पर प्रोबेबिलिटी वाइज मुश्किल है इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़े आगे वाले में तीन कार्यल सेंटर है सिमिट्रिकल के अनसिमिट्रिकल अनसिमिट्रिकल तो टू प्लस टू प्लस टू करेंगे ना टू सामने टू इंटू टू इंटू टू होता है तो टू रेस टू थ्री हो गया एट सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे क्योंकि इंडिविजुअली ये आर एस हो सकता है ये आर एस हो सकता है ये आर एस हो सकता है तो टू प्लस टू प्लस टू नहीं होता टू इंटू टू इंटू टू होता है वो मैथमेटिकली जो कि हमने जीआई के टाइम पर भी बोला था पॉइंट जीआई के टाइम पर भी बोला था पॉइंट नेक्स्ट हम देखें अगले वाले क्वेश्चन में अब अगले क्वेश्चन में खा, खास चीज क्या है कि अगले क्वेश्चन में खास चीज ये है कि जी भी पॉसिबल है और ओ भी पॉसिबल है ठीक है देखते हैं एक तो ये हो गया अपने पास कायरल सेंटर जो कि इंडिविजुअली हो सकता है आर या फिर एस और ये हो गया अपने पास जी सेंटर जिसमें हम देख सकते हैं कि जी पॉसिबल भी है क्योंकि इसके ऊपर एच मेथिल डिफरेंट इसके ऊपर भी एच और ये ग्रुप डिफरेंट तो ये जी सिस्टम हो गया अब अनसिमेट्रिकल है क्लियरली अनसिमेट्रिकल है <laughs> तो पहला वाला केस बैठेगा इसमें और टोटल जो होंगे वो हो जाएंगे टू रेस टू टू तो टोटल आएंगे अपने पास चार स्टीरियो आइसोमर्स में जैसे कि हमें पता है जी आई ओ आई दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं ठीक है बोथ आर इंक्लूडेड और यहां पर हम एन जो है तो बेसिकली हम समझ रहे हैं कि एन इज नंबर ऑफ सिस्टम शोइंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म नंबर ऑफ सिस्टम शोइंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसमें जीआई भी हो सकता है या फिर ओआई भी हो सकता है तो जीआई वाले जीआई वाले डबल आएंगे तो उनको भी ले लेंगे या वाले सेंटर तो उनको भी ले लेंगे। अगले वाले का आंसर हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड एट ठीक है कैसे तो देखो एक काइरल सेंटर ये हो गया जो इंडिविजुअली हो सकता है आर एस दूसरा हो गया ये ओआई का सेंटर एक और काइरल सेंटर जो हो सकता है एस और तीसरा हो गया याला डबल बॉन्ड जो कि हो सकता है सेस या फिर ट्रांस तो टोटल हो जाएंगे अपने पास टू रेस टू थ्री एट ऑप्टिकली एक्टिव कितने रहेंगे इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने रहेंगे इनमें से सेवेंथ वाले के अंदर पूछ रहा हूं कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने रहेंगे सारे आठ के आठ ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे भाई यहाँ अनसिमेट्रिकल में लिख रखा है ना ऑप्टिकली एक्टिव टू टू एन मीजो अनसिमेट्रिकल का केस है सारे आठ के आठ जो रहेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे किसी में भी सिमेट्री नहीं रहेगी ठीक है नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस लिखे कल की इस बात का टेस्ट है भाई एक सेकंड एक सेकंड हाँ। वो कर रखे हैं ना बेटा टोटल स्टीरो आइसोमर्स में वो ऑलरेडी काउंटेड है भाई कैसे बनेंगे जैसे कि सिक्स्थ वाले में हम एग्जांपल लें तो एक जो सिस है जब ये सिस है तब ये हो सकता है एक बार आर और एक बार एस और जब ये ट्रांस है तब ये हो सकता है एक बार आर और एक बार एस ठीक है इस तरीके से देखें नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन लिखे भैया इंग्लैंड से कौन सा स्टूडेंट आ गया हाँ बेटा सेवेंथ वाले में बेटा जी है जो क्वेश्चन जैसे पूछेंगे तुम देखना मॉड्यूल में ठीक है अपने को क्वेश्चन इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है ठीक है वो अपना काम नहीं है अपन तो देखें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रखें सारे इंक्लूडेड है इसमें ठीक है सारे इंक्लूडेड हाँ तुम्हें क्वेश्चन इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है बेटा ठीक है अपन लैंग्वेज पर स्टिक करें कि भाई जितना मॉड्यूल में जिस तरीके से पूछा गया जबरदस्ती उसको कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बनाने की जरूरत है ही नहीं जो पूछते ही नहीं है उसका डिस्कशन करके क्या करेंगे ठीक है एर्थ वाले क्वेश्चन में बात करें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स थर्टी टू वेरी गुड थर्टी टू आएंगे कैसे भाई देखो कायरल सेंटर कायरल सेंटर कायरल सेंटर कायरल सेंटर, सेंटर और ये हो गया अपने पास जीआई सेंटर तो टोटल पांच हो गए और अनसिमेट्रिकल है तो टू रेस टू फाइव तो आंसर हो जाएगा बत्तीस ठीक है बत्तीस जाएगा अब इसमें हमें क्या चीज देखने को मिल रही है इस क्वेश्चन में कि भाई जब ये ओ एच ओ एच ओएच सारे सेम साइड लगे हैं या एक बार दो ओ एच सेम साइड एक ओ एच ऑपोजिट साइड तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये ओ आई तो सेंटर तो है ही सही कारल सेंटर तो है ही सही साथ ही साथ में जी आई सेंटर भी है भाई ओएच जब सेम साइड पे लगा रहा है ये वाला या फिर एक बार ऑपोजिट साइड लगा रहा है तो जब जी आई सेंटर और ओ आई सेंटर कॉमन रहते हैं जैसे कि इस रिंग के कंपाउंड के अंदर है तो हम उनको दो बार अलग अलग तरीके से नहीं गिनते दो बार अलग अलग तरीके से नहीं गिनते सिर्फ एक बार ही गिनते हैं एज ओ आई सेंटर एज ओ आई सेंटर गिनते हुए भी जब हम आंसर निकालते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर सारे में वो में आ जाते हैं अलग अलग से दो बार उनको नहीं गिनेंगे ये इसके साथ पॉइंट लिखे एट के साथ वेन एट क्वेश्चन में वेन ओ आई सेंटर एंड जी आई सेंटर Are common OI Center and GI Center are common, then they are counted only once as. आए सेंटर भाई बेसिकली हमारे जहां तक नीट के लेवल का सवाल है तो वो तो यहीं पर बात खत्म हो चुकी है सेवेंथ क्वेश्चन पर ही ठीक है ये सब हम एक्स्ट्रा थ्योरी देख रहे हैं ठीक है मन की संतुष्टि के लिए एट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हुए बताओ मुझे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टोटल सेंटर्स आइसोमेरिज्म के टोटल सेंटर्स कितने हैं, कितने सिस्टम्स हैं जिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकता है टू रेस टू एन में एन की वैल्यू क्या डालेंगे अनसिमेट्रिकल तो है अनसिमेट्रिकल है उसमें डाउट की बात नहीं है तो आंसर है देखो भाई बोल दिया चार चार देखते हैं पहली चीज ये बताओ क्या इस डबल बॉन्ड पे जीआई हो सकता है एट रिंग है, तो साइक्लो पे हो सकता है, ट्रांस बन सकते हैं, तो एक ये सिस्टम हो गया दूसरा ये सेंटर, तीसरा ये कायरल सेंटर क्या इस डबल बॉन्ड पे जीआई हो सकता है और इस डबल बॉन्ड पे भी जीआई हो सकता है तो टोटल सिस्टम्स हो गए एक दो तीन चार दो ओ के दो जीआई के और ये जो ओआई वाले ये ओआई जीआई के कॉमन सिस्टम्स हैं तो बेसिकली 2 रे टू 4 हो गया तो 16 ठीक है पर इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो हमें मिक्स्ड वाले देखने को मिलेंगे कि सिस और ट्रांस के साथ ही साथ में आर और एस भी होगा तो वो इस टाइप के ओपन चेन वाले देखने को मिलेंगे ठीक है तो अपने को उस तरीके से ही देखना ठीक है नेक्स्ट हम इसके बाद बात कर रहे हैं मैं तुम्हें बता दो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एफ वाई आई एफ वाई आई फॉर योर इन्फॉर्मेशन क्लास पंद्रह मिनट एक्सटेंड कर सकते हल्ला किया <laughs> मेरे पास बहुत टाइम है खींचने के लिए ठीक है तो मैं चुपचाप जितना पढ़ा रहा हूँ आज के लिए जितना पढ़ा रहा हूँ शांति से पढ़े तो तुम्हारे ही हित ही की बात कर रहा हूँ ठीक है सर लोग तो हित की बात करते हैं, अमाइन इन्वर्जन और अम्ब्रेला फ्लिपिंग ठीक है अम्ब्रेला फ्लिपिंग ठीक है देखते हैं ये चीज क्या रहती है भाई गौर से देखो इन दोनों मोलिक्यूल इन दोनों में हमें कितने कायरल सेंटर्स दिख रहे हैं दोनों में एक और एक कायरल सेंटर दिख रहा है इसके अंदर भी एक ही कायरल सेंटर है लोन पेयर को हम डिफरेंट ग्रुप लेते हैं एच डी मेथिल चारो डिफरेंट और इसके ऊपर भी कार्ब एनायन बना रखा है कार्बन के ऊपर का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बता रखा है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर एच एम ई e, टी चारों ग्रुप डिफरेंट दोनों में एक कायरल सेंटर है एक कैरल सेंटर के साथ जैसे कि हमने बात कर रखी कि कोई भी सिमिट्री पॉसिबल नहीं होती ना तो पीओएस होता है ना ही सीओएस होता है और इस वजह से एक कैरल सेंटर के लिए हमने स्टार्टिंग में जो चार्ट बनाया था उसमें भी लिखा था कैरल सेंटर वन के लिए ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव पर एक्चुअल में क्या देखने को मिलता है कि ये दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स हैं डिस्पाइट इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं इसका हम रीजन समझना चाह रहे हैं क्यों ये दोनों मॉलिक्यूल बना करके इनके साइड में लिखें बाकी लोग भी बना लें भाई जितना मिटाया अभी उतना ही लिख रहा हूं तुम ज्यादा बात करोगे तो मिटाने को बहुत कुछ है ठीक <laughs> है देखें इसके साथ में लिखें आराम से आराम इनके आगे लिखो डिस्पाइट हैविंग जस्ट वन कैरल सेंटर Despite having just one chiral center, both these molecules are both these molecules are optically inactive, are optically inactive. ठीक है इसका रीजन समझते हैं कि क्या रहता है तो इसका रीजन रहता है कि भाई यहां पर देखें अपन एन डी और सीएस थ्री भाई हमने देखा होगा कि जब मौसम खराब रहता है जब तेज तूफानी हवाएं चल रही होती है और अगर तुम छतरी लेकर के निकल जाओ तो क्या होता है कि जो छतरी होती उड़ नहीं जाती अच्छा सा पकड़ करके रखो भाई तुम खुद ही तो नहीं उड़ जाता कहीं छतरी के साथ तो क्या होता है कि छतरी जो होती है वो ऐसे पलट जाती है पलट जाती है अब ये कब होता है जब एक स्पीड से ज्यादा ज्यादा ही तेज हवा चल रही हो तब ये होता है भाई ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल धूप निकल रही है बढ़िया मौसम है और अपनी चलते चलते छतरी पलट जाए ऐसा तो नहीं होता ठीक है तो उस छतरी पलटने के लिए क्या चाहिए एक स्पीड से ज्यादा की हवा चाहिए ठीक है एक लेवल से ज्यादा की एनर्जी चाहिए सराउंडिंग से उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है ये अमाइन है ठीक है अमाइन हमने बना रखा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक्चुअल ज्योमेट्री कैसी रहेगी एच डी और मेथिल ऐसे है और ऊपर की तरफ लोन पेर ठीक है लोन पेर है जिसको हमने ठीक है इस तरीके से घुमा करके बना रखा है ठीक है घुमा करके बना रखा ठीक है ये अब अमाइन जो है उसके लिए रूम टेम्परेचर भी जो है रूम टेम्परेचर भी जो है वो है उसके लिए तेज तूफानी हवाओं की तरह तेज तूफानी हवा की तरह तो इस वजह से क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर भी इतनी सफिशियंट एनर्जी अवेलेबल रहती है कि अमाइन जो है उसको फ्लिप करके उसको पलट दे किस तरीके से पलटता है अमाइन तो एन है इसके ऊपर के तीनों ग्रुप्स ऐसे हैं और लोन पर मान लो इस तरह ठीक है तो सबसे पहले तो क्या होता है कि तीनों ही जो ग्रुप्स हैं वो आते हैं एक ही प्लेन के अंदर और फिर फाइनली वो तीनों ग्रुप्स जो है वो दूसरी साइड ऐसे पलट जाते हैं ठीक है पर पलट करके इसी तरफ नहीं रहते भाई आसपास हवाएं तो चल रही है उसके लिए तो वापिस प्लेन में आकर के और फिर वापिस इस तरफ तो क्या होता है ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं कंटिन्यूसली अब तुम मुझे बताओ कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है <laughs> तो आंसर है दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है दोनों सेम ही है डिफरेंट स्टेबिलिटी हम बता ही नहीं सकते दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है और इस वजह से जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो के इक्विलिब्रियम जो रहता है उसकी वैल्यू रहती है वन जिसका मतलब है जितना इंटर कन्वर्जन और जितना रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ है उतना ही ज्यादा बैकवर्ड की तरफ भी है और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है एट इक्विलिब्रियम मान लो तुमने हंड्रेड इसके साथ भी स्टार्ट किया हंड्रेड परसेंट थ्रू सम मेथड तुमने फ्रीज करके और फिर ये वाला अपन ने बना रखा है तो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद रूम टेम्परेचर पर वो इंटर कन्वर्ट होकर इसके साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है और फिर फाइनली के इक्विलिब्रियम वन है इस वजह से जब इक्विलिब्रियम फुली एस्टेब्लिश होता है तो दोनों ही फिफ्टी फिफ्टी परसेंट रहते हैं अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं और ये दोनों है एक दूसरे के इनैंशमर्स और इनशुमर्स जो रहते हैं इनका बन जाता है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट मिक्सचर और जिसको हम क्या बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर बना लेते हैं और ये कारण रहता है कि ये मोलिक्यूल जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ठीक है तो आगे के पॉइंट्स हम अगली क्लास में लिख लेंगे यहां तक अभी के लिए बना लो और इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे ओके हैव अ ग्रेट डे सी यू इन द नेक्स्ट क्लास